हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको हर टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि चित्रों का विवरण भी आपको साथ के साथ कराती रहूँ ताकि आपको पेंटिंग्स व चित्रकला याद रहे और किस माध्यम से बनी है इन चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा कर सकें। तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला। ये जो भी मैं सारी वीडियोस बना रही हूँ ये सिर्फ एक पूरा एक सीक्वेंस है, एक जो कि काल में चला आ रहा है। उसके बाद मैं हर एक टॉपिक को अलग से पढ़ाऊँगी, अलग से उसके लिए वीडियो डालूँगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और चीज़ें डिटेल में भी प्रोवाइड हो जाएँ। तो हम मूर्तिकला की बात करेंगे, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। तो जो भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य कला का वर्णन हमें मिलता है वह हर हर सम हर चित्रकला व कला में एक टाइमलाइन होती है, एक समय काल होता है जिसके अनुसार वो उसमें विकास की क्रिया दिखती है। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, पहले प्राचीन काल था, फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता आई, उसके बाद मौर्य काल आया। तो इस तरह से हम इनका विवरण देखेंगे। उसके बाद आता है मध्यकाल। तो इस वीडियो में सिर्फ आज हम प्राचीन काल और सिंधु सभ्यता और मौर्य काल तक पढ़ेंगे ताकि आपको सीक्वेंस क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मध्यकाल की वीडियो लेकर आऊँगी। तो शुरू करते हैं हम प्राचीन काल से। जो प्राचीन काल है, जो भारतीय मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला का जो इतिहास है वो इतना ही प्राचीन है जितना यहाँ का इतिहास। जब मानव की शुरुआत हुई थी, जब मानव सभ्यता में एक विकास क्रम से जुड़ा था और उसके अध्ययन करने की सुविधा के अनुसार उसको नए रूप में दिखाने का प्रयास किया गया था। तो जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल प्रगतिहासिक काल में मानव वन जो थे वो कांदरों में रहते थे। फिर धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे वह छपरों और कच्ची मिट्टी की दीवारों, फिर झोपड़ियों का प्रयोग होने लगा। इसके पश्चात फिर पकाई हुई मिट्टियों का प्रयोग हुआ। फिर ऐसे ही मूर्तिकला के प्रारंभिक युग के उदाहरण जो मिलते हैं वो हमें यहीं से प्राप्त होते हैं, जिन्हें मूर्तिकला का इतिहास का जन्मदाता भी कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हाथी का दांत खुदा हुआ, ठीक है, हाथी का दांत खुदा हुआ मिलता है और हाथियों के दांतों की जो नक्काशी हमें मिलती है वो हम देखते हैं। विशाल हाथियों का चित्र है, विशाल सिंह पर उभरा हुआ है, ठीक है, जो सिंह होते हैं उस पर भी नकाशी की गई है। अश्व के चित्र हैं जो कि हड्डियों पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम मूर्तिकलाओं के उदाहरण देख सकते हैं या उन्हें जन्मदाता भी कह सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से सभी फेमिलियर होंगे, जानते होंगे। इस सभ्यता को बहुत पुराना माना गया और ये सिंधु घाटी सभ्यता को पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता भी कहते हैं। भारत में इस काल के केंद्र जो थे उसमें थे मोहनजोदारो, हड़प्पा, चांदोदर, लोथल, ये सब इनके क्षेत्र थे जहाँ पर हमें चीज़ों की प्राप्ति के अनुसार उनके जीवन काल व उनकी जीवन दिनचर्या व उनके सोशल कृषि वगैरह को या उनके व्यापार को हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिंधु सभ्यता नगर सभ्यता थी, यहाँ भवन निर्माणों में ईंटों का प्रयोग हुआ और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में लगभग 18 प्रतिमाएं मिली जिसमें पुजारी के आवश्यक मूर्ति, पुरुषधड़ भी पूछा गया है, नृत्य की मूर्ति कई बार आपके नेट एग्ज़ाम में पूछी गई है कि उसका साइज़ क्या है, किस प्रकार की बनी है। तो ऐसे ही हम एक स्कल्पचर या फिर चित्रकला को लेंगे और उसके बारे में विवरण करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, सिंधु सभ्यता में बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्ति तथा खिलौने भी मिले हैं। धातु मूर्ति शिल्पकला का जो सबसे प्राचीन और पहला उदाहरण हमें मिलता है वह मिलता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त काश्य नृत्यकी की मूर्ति है।
ठीक है, नृत्य की मूर्ति है जो काशी से बनी हुई है। धातु मूर्ति शिल्प कला दक्षिण भारत में अपने चरमोत्कर्ष पर विशेष रूप से चोल राजाओं के समय पहुंची, जो कि हमें नटराज की मूर्ति पर प्रतिमाएं में दिखाई देती है, जो उनकी महत्वपूर्ण देन थी। तो नटराज की मूर्ति भी पूछी गई थी पिछले साल, तो आपके लिए हर चीज़ को पढ़ना व उनके चित्रों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल का समय 385 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व माना जाता है। मौर्य शासन की स्थापना जो की थी वह मगध के शक्तिशाली शासक महाजनपद ननंद का वध करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस काल में मूर्तिकला व स्थापत्य कला की उन्नति हुई। इस समय की कला के उत्कृष्ट नमूने जो विशाल स्तंभों के रूप में हमें मिलते हैं, और ये संसार के सर्वोत्कृष्ट मूर्तियों हैं, जो मूर्तियों का स्थान इन्हें माना जाता है। तो जो सारनाथ का सिंह है, स्तंभ है, मौर्य काल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। ये स्तंभ सारनाथ, सांची, चंपारण के लोरियार, ननंदगढ़, इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर आदि स्थानों पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से छोटा सा मैंने बनाया हुआ है ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। तो ये हमें मिलते हैं, और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये सिर्फ आपके लिए एक सीक्वेंस के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ताकि आपको समय काल की अवधि के बारे में थोड़ी जानकारी रहे व आप उसे फेमिलियर रहे। उसके पश्चात मैं आपको सिंधु घाटी की अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊँगी। मौर्य काल के बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो स्तंभ फेमस हुए थे वो कुछ इस प्रकार थे। जो स्तंभ है उसी, ये इनका स्तंभ था, उसमें इन्वर्टेड लोटस था, ठीक है, नीचे ड्रम था और ऊपर जो था ऐसे बनाया हुआ था जिसमें चक्र था, और यहाँ पर होती थी मूर्ति स्कल्पचर, वो किसी भी जानवर का होता था, या तो वो सिंह होगा या फिर जैसे लोरियाद है तो उसका अलग होता है, तो इस तरह से होता है। लेकिन जो इसका नीचे का पोर्शन होता है वो सेम होता है। कई बार आपसे इनके सिम्बॉलिंग के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसके सिम्बॉलिक्स क्या क्या हैं। तो ये जो बीच में है, देखें ये जो बीच में है ये क्या है, धर्म चक्र, ठीक है। और ये जो उसके नीचे आता है उसके चारों तरफ चार जानवर होते हैं जो चार दिशाओं को दर्शाते हैं, जिसमें पूर्व में तो अश्व होते हैं, पश्चिम में लोमड़ी, दक्षिण में हाथी और उत्तर में शेर को दर्शाया गया है, जो चार दिशाओं को दर्शाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं इन्वर्टेड लोटस, कमल, ये सिंबल करता है बुद्धिज्म को ये सिंबल करता है। उसके बाद हम देखते हैं ड्रम, तो ये इसका पूरा आर्किटेक्ट है, इसकी पूरी वास्तुकला है जो हम देखते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें ये जो चीज़ें हैं, ये जो चार जानवर हैं और ये जो दिशाओं को निर्धारित हैं चीज़ें, तो ये क्या क्या शो करते हैं, तो ये शो करते हैं शक्ति को, हिम्मत को, गर्व को व साहस को, कर्ज, कॉन्फिडेंस और प्राइड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसको दर्शाते हैं। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, करेज, पावर, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड को ये दर्शाते हैं। इस समय की जो इमारतों में हम देखते हैं उसमें ईंट, पत्थर और लकड़ी तीनों का उपयोग होता है। किस किस का प्रयोग होता है याद रखें, लकड़ी, ईंट, पत्थर, तीनों का प्रयोग होता है। तो ये उसमें देखते हैं। और मौर्य काल की जो सबसे विशेष बात थी वो थी पॉलिश। पॉलिश से चीज़ों की चमकाहट जो थी वो हम मौर्य काल में देखते हैं। सम्राट अशोक ने अनेक स्तूप और विहार बनवाए, ठीक है। एक अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने समस्त भारतवर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। मौर्य शासनकाल में स्तूपों के निर्माण के साथ साथ मूर्ति रचना शैली का भी विशेष विकास हुआ।
भूरे रंग के दानेदार बलुए पत्थर के मानवाकार मूर्ति जिन पर दर्पण के समान चमकदार पॉलिश की गई चमक पॉलिश पॉलिश इस काल की पॉलिश इस काल की सबसे विशिष्ट बात थी, ठीक है, जो हमें मौर्य काल में मिलती है। पॉलिश की गई अशोक के शासनकाल में और निर्मित हुई थी ये सब चीज़ें, जिसमें दीदारगंज की मूर्ति प्रमुख है। दीदारगंज की मूर्ति कई बार पूछी जाती है कहाँ पर रखी हुई है, या वह किस माध्यम से बनी है, या उसके जो उसको क्या बोला जाता है, चमरधारणी भी उसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं शुंग काल। शुंग काल में, शुंग काल मौर्य काल के बाद आता है शुंग काल। शुंग काल 185 ईसा पूर्व से 76 ईसा पूर्व तक रहा है। इसमें बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित कलाकृतियों की रचना हुई है, जो स्तूपों, गुफाओं तथा मंदिरों के शिल्प के रूप में उपलब्ध है। उसके पश्चात हम दूसरे काल को देखते हैं, जो है सातवाहन काल। सातवाहन काल में हम गांधार तथा मथुरा दो महत्वपूर्ण मूर्ति कला के केंद्र देखते हैं। तो सातवाहन काल में क्या होता है, दो मूर्ति कला के केंद्र होते हैं, ठीक है, मथुरा मथुरा और गांधार। हर हर टॉपिक का इंडिविजुअली आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आपको चीज़ें सीक्वेंस में और आपको डिटेल में पता हो। मथुरा गांधार पर भी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। तो जो मथुरा में हम देखते हैं दो काल होते हैं, जिसमें गांधार और मथुरा दो महत्वपूर्ण मूर्ति कला के केंद्र माने जाते हैं। गांधार कला में का जो दृष्टिकोण था वो अलग था, मथुरा का दृष्टिकोण अलग था, जिसके हम शिल्प में अलग अलग विभिन्न विभिन्न चीज़ें देखते हैं, और उनसे पता लगाया जा सकता है कि ये गांधार का है, वह मथुरा का है। गांधार शैली में जो बुद्ध की प्रतिमाओं का सबसे अधिक संख्या में निर्माण हुआ था, ठीक है। मथुरा शैली में जैन, बौद्ध, वैष्णव आदि सभी धर्मों के शिल्प हैं। मथुरा में ही बुद्ध की मनुष्य रूप से मूर्ति की सर्वप्रथम कल्पना हुई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं गुप्त काल। गुप्त काल जो है वो गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, और ये फोर्थ सेंचुरी में आया था। इस बार पिछली बार से सवाल भी पूछा गया था, एक दशावतार टेम्पल का नेट में दिया था, और उसमें पूछा था कि ये टेम्पल का क्या है टाइम पीरियड। तो उसमें जो टाइम पीरियड था 400 से, आप बता सकते हैं उसके अनुसार जो टेम्पल बने हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसका जवाब दे सकते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये सभी जानते होंगे। गुप्त काल में कला शिल्प के अतिरिक्त व्यवसाय, वाणिज्य, ज्ञान, विज्ञान, धर्म आदि सभी क्षेत्रों के भारतीय सभ्यता की बहुत ही उन्नति हुई। इन मंदिरों में दशावतार मंदिर, इसका कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो जो है मंदिर है दशावतार मंदिर, ठीक है, दशावतार, महाबोधि, दूसरा है महाबोधि, उसके बाद आता है भीतर गांव जो उदाहरण पहले मिलते हैं, भीतर गांव मंदिर। तो ये उदाहरण हमें गुप्त काल में मिलते हैं। गुप्त काल में मूर्ति कला में मथुरा और सारनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। अब गुप्त काल में क्या हुआ, अब जैसे हमने पहले देखा कि पहले दो कलाओं का निर्माण हुआ था, दो शैलियों का निर्माण हुआ, मथुरा शैली और गांधार शैली। अब इस समय क्या था, मथुरा शैली थी और सारनाथ शैली थी, दो शैली को हम देखेंगे इसमें, मथुरा और सारनाथ। तो याद रखें इसका समय काल क्या था, तो ये गुप्त पीरियड में थी। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई थी। गुप्त काल में अनेक बुद्ध प्रतिमाएं बनी, इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, जैन मूर्तियाँ भी बनी। गुप्त काल में अनेक गुफा मंदिर निर्माण हुआ, जिसमें जैसे अजंता, एलिफेंटा गुफाएं और भांजा, वेदसा, कालरा, उदयगिरी, कन्नेरी आदि गुफाएं प्रमुख हैं। यहाँ मूर्ति गुफाओं की जो शिला है वे दीवारों में उत्तीर्ण की गई है, ये सभी जानते होंगे कि दीवारों में उत्तीर्ण की गई है। गांधार शिल्प की जो खोज की थी वो सर्वप्रथम डॉक्टर लीथर ने की थी,
लीथर ने की थी, वह इसका स्पष्ट व वृद्ध रूप से किया रूप किया था कटिसन ने। तो इसमें कितने नाम है, कठिन ने किया था, प्रस्तुत किया था। शैली की अब तक लगभग 50,000 मूर्तियां प्राप्त हो चुकी हैं, जो कि स्लेटी पत्थर की हैं। तो ये याद रखें, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मध्यकाल में बताऊंगी। मध्यकाल में हम टेंपल देखेंगे, टेंपलों का जैसे जैसे निर्माण हुआ और टेंपल कितनी शैलियों में बटे, नागर, वेसर, द्रविड़, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और आपको लाइक करें, शेयर करें।